नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। एक तरफ कोरोना विकराल रूप लेने को आतुर है, तो वहीं उससे बचाव के लिए लगाए जाने वाले वैक्सीन की ही कमी होने लगी है। सरकारें तो 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कोविड-19 वैक्सीन लगवाने की अपील लगातार कर रही है, लेकिन जब वैक्सीन की ही कमी हो जाए तो भला इस लाइलाज बीमारी से कोई कैसे बच पाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के गृह जनपद में आज कोविड-19 वैक्सीन की किल्लत देखने को मिली है। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रेवा से आज खबर आई है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज कोविड-19 वैक्सीन ही समाप्त हो गया है। आज कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ने बाकायदा कैमरे पर बताया कि कोविड-19 वैक्सीन ही नहीं है, वैक्सीन की कमी होने व अधिकारियों के द्वारा अग्रिम आदेशों तक वैक्सीनेशन पर रोक लगाने के कारण आज वैक्सीन का काम नहीं किया जा रहा है। वहीं 45 की उम्र पार कर चुके लोग जो आज कोविड-19 वैक्सीन लगवाने हॉस्पिटल पर आए, वो निराश देखने को मिले। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं लगेगा तो वे हम कहाँ जाएं। आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के जिले में कोविड-19 वैक्सीन की कमी का जो मामला सामने आया है वो काफ़ी चिंताजनक है। देखना होगा कि कोरोना काल में आखिर सरकार इस समस्या से कैसे निपटेगी। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। आए थे कोरोना के वैक्सीन लगाने, तो क्या हुआ? कोरोना की वैक्सीन यहाँ है ही नहीं, सरकार का आदेश है जो 45 साल से ऊपर हमको लगवाना जरूरी है, तो हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ वैक्सीन है ही नहीं है, यहाँ सब लोग वापस ले जा रहे हैं। कल तक यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ है, इधर वैक्सीन की कुछ शॉर्टेज पड़ गई है और उच्च अधिकारियों का दिशा निर्देश मिला हुआ है कि आज वैक्सीनेशन नहीं लगेगी और अग्रिम आदेशों तक जब तक उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश नहीं मिल जाते हैं तब तक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अभी नहीं चलेगा। देखिए, कोविशील्ड जो वैक्सीन होती है इसकी प्रथम डोज और सेकेंड डोज के बीच में 6 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक, 1.5 महीने से लेकर 2 महीने का अंतराल होना चाहिए कि जिनका भी पूरा हो गया है वो 1.5 हफ्ते बाद आ रहे हैं, अगर 2-4 दिन बाद भी उनका लग जाता है या 2 महीने के भीतर भी लग जाता है तो उनके वैक्सीनेशन के उस पर कोई असर नहीं आएगा।